बिहार के सारण में 17 प्लस युवाओं को मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। देश के नागरिक इस चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश में नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। चुनाव आयोजित करने एवं चुनाव के बाद के विवादों से संबंधित सभी विषयों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। वहीं 17 प्लस युवाओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने व पहली बार वोटर्स बनने के लिए एक युवाओं के लिए जागरूकता व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यूएसडीसी डीएवी पब्लिक स्कूल महाराजगंज में आयोजित किया गया। इस जागरूकता शिविर में महाराजगंज के एसडीओ संजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ रवि रंजन व अवर निर्वाचन पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से युवाओं को स्लोगन के साथ चलो मतदाता बने के साथ अभियान की शुरुआत की। स्कूल के प्रिंसिपल एस भुजवाल ने एसडीओ संजय कुमार, बीडीओ डॉ रवि रंजन व अवर निर्वाचन पदाधिकारी दिलीप कुमार को अंगवस्त्र व मोमेंटो देकर सम्मानित। युवाओं के लिए ऑनलाइन सुविधा की गई है, उसके लिए सर्विस सेंटर क्या है? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। युवाओं को ऑनलाइन के माध्यम से अगर अपना नामांकन मतदाता सूची में दर्ज कराना है तो वे NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल जो कि वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करा सकते हैं और उसके माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप है जो किसी भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और वहाँ इंस्टॉल करके उसके माध्यम से ईजिली अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा ECI ने गरुड़ ऐप दिया है जो BLO के लिए यूज के लिए है, उसके माध्यम से वे ऑनलाइन किसी भी मतदाता का नाम जोड़ सकते हैं। वहीं सब बच्चे सब आज युवाओं के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने और जागरूक करने के कार्यक्रम जो स्कूल में आयोजित किया गया है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, युवाओं को संदेश क्या देंगे? ये निर्वाचन आयोग भारत सरकार भारत के माध्यम से निर्वाचन आयोग भारत के माध्यम से यह कार्यक्रम जारी किया गया है और ये विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम कहलाता है। इस कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से सभी मतदान केंद्र पदाधिकारी जो है अपने अपने बूथ पर रहते हैं और वैसे लोगों का नाम जोड़ते हैं जिनका कि 18 वर्ष की आयु हो गई और वैसे लोग जो उनकी आयु हो गई है और नाम अभी तक नहीं जुड़ा है, इस दौरान वो अपना एप्लीकेशन देते हैं और उनका नाम जुड़ता है। सर, क्या ऑनलाइन की भी सर ऐसी ऐप की व्यवस्था की गई है कि जिससे मतदाता अपना नाम जोड़ सके? इसमें एक महत्वपूर्ण देश के लिए सोचना हम और आपका जो पहला कर्तव्य है वो है देश के प्रति, उसके पश्चात